यस बेटे, आज अपना टॉपिक है नानक दुखिया सब संसार लेख करना है चचा भाग मुहावरे। जिन्हें हो सके उन्होंने अकॉर्डिंग ही थोड़ा कल का टेस्ट होना है, और कल थोड़ा क्लास टेस्ट है। क्लास टेस्ट गूगल फॉर्म के होना, जिद दो टॉपिक ने केड़े-केड़े टॉपिक ने चचा भाग मुहावरे प्लस काव्य रचना तू मेरा पिता तू है मेरा माता गुरु अर्जन देव जी की। वन मार्क क्वेश्चन मीनस गूगल फॉर्म विच एमसीक्यू टाइप आएंगे। वैसे पेपर दे विच फाइनल टर्म दे विच ये दोनों ही टॉपिक जड़े ने वन मार्क क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चे, और लेख आप ऑलरेडी एक कर चुके हैं मन जीते जिद्दी। अज का अपना टॉपिक है नानक दुखिया सब संसार। ये करने तो पहला एक बार फिर मैं रिमाइंडर दे दा कि अपना होलीडेज होमवर्क जिन्हों बच्चों ने टाइमली सेंड नहीं किया अज ईवनिंग टाइम तक 5 to 7 o'clock तक प्लीज रिक्वेस्ट है कि भेज देना। तो इंटरनल असैसमेंट का पार्ट है, और जिन्होंने लोरी जोड़ा कंटेस्ट से वो पार्टीसपेट नहीं किया वह भी रजिस्टर्ड करके लोरी की अटैचमेंट ला के सर्टिफिकेट ग्रुप च भेजने। वैसे गुड पार्टीसपेन है थोड़े साइड तो दोनों सैक्शन चो, वो गुड है। और कल का टेस्ट अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है, ऑलरेडी तुम प्रिपेयर ही है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता रचना क्लीयर है कि परमात्मा की महिमा का गायन किया है कि साडा परमात्मा ही साडा सब कुछ है। जिथे कोई सहाय नहीं उत्थे परमात्मा ते परमात्मा का नाम ध्यान नाल ही महा सुख की प्राप्ति होंगी है, अनगिनत सुखों की प्राप्ति होंगी है। ठीक है बच्चे, ये वन मार्क क्वेश्चन तुसी प्रिपेयर करने हैं। सब तो पहला आप चचा भाग मुहावरे कर लिए क्योंकि कल टेस्ट है, दोनों सैक्शन के इकट्ठे ही मुहावरे हो जाएंगे। अपनी अपनी ग्रामर बुक खोलो, टेक आउट योर ग्रामर बुक, चचा भाग मुहावरे खोलो पहले, उस तो बाद तुसी नानक दुखिया सब संसार वाला पेज खोलना है अपनी ग्रामर बुक में, और नाल नाल फेयर नोटबुक खोलो जिथे तुसी मुहावरिया के अर्थ लिख के वाक बनाने हैं। पर कल दे टेस्ट विच वाक बनाने नहीं आएंगे, वो गूगल फॉर्म च आना है। मुहावरे का अर्थ का मुहावरा, मुहावरा पूरा करो। हुण फस्ट मुहावरा है अपनी ग्रामर बुक के अकॉर्डिंग। मैं तुहानू डे बिफोर यस्टरडे 4-5 मुहावरे कराए सी, वो एक्सट्रा करवाए सी। सब तो पहला चतुराइयां साड़नियां, चचा भाग मुहावरे विच चतुराइयां साड़नियां की मीनिंग है ना? यस बेटे, की मीनिंग है हेरा फेरियां करनिया, हेरा फेरियां करनिया। कई लोग जड़े साडे मंत्री लोग ने, कोई प्रिष्टे हुए लोग ने, ओह चतुराइयां साड़ के आम भोली भाली जनता का खून चूसते ने हेरा फेरियां करके। ठीक है, और तुहानू क्लीयर किया है कि जड़े वाक बनाने हैं आने हैं वो सिंपल वाक अपने चुगिरदे विचों सोशल लाइफ नू फोकस करके, अपने परिवारिक जीवन नू फोकस करके बनाई देने। अज की डेट च आपां अज जड़े करने मुहावरिया के अर्थ ते मुहावरे याद करने हैं क्योंकि कल दे टेस्ट विच सिर्फ अर्थ आने हैं, अर्थ का मुहावरा आने। नैक्सट है चक्की चो बहना, चक्की चो बहना। कोई दस सकता चक्की चो बहना का की अर्थ होएगा? यस बेटे, चक्की चो बहना मीन्स कोई लंबी कहानी छेड़ लैनी, कोई लंबी गल कर लैनी। मीन्स किसी अपने, मैं अपनी सहेली कोल कल बैठा उन्हें अपने दुखों की अपने परिवार की चक्की चो बैठ गई। 2 घंटे लग गए मेरे को बैठने, मेरा तो सिर दर्द ही कर लग पाया। ठीक है, चक्की चो बहनी किसी को बैठी है, जिमें ओल्ड एज जड़िया लेडीज ने औरतों ने जो इकट्ठिया बैठ जाना तो अपनी अपनी चक्की चाहदियाँ कि घर में उन्होंने की चल रहा है, उन्होंने नूँह उन्होंने सेवा करती है कि नहीं, कि वह कि गलों परेशान ने। चक्की चो बहना का मतलब है लंबी गल करनी शुरू कर देनी जी मुक्कन ही ना आए। ठीक है बच्चे, जेडे बच्चे लेट ज्वाइनिंग हो रही बेटे बी पंक्चुअल, थोड़ी ज्वाइनिंग टाइम भी होनी चाहिए क्लास में। ऑनलाइन क्लासेस का मीनिंग ये नहीं है कि तुसी बड़ी रिलैक्स मूड में जो मूड किया तुसी क्लास ज्वाइन कर ली, जो दिल किया लीव कर ली। नो बेटे, जिंदगी च अपना सक्सैसफुल रहना ना परसन, तो स्टूडेंट लाइफ सब तो वधिया टाइम है जिंदगी का, होल लाइफ का एक अजिहा एक पार्ट है जिंदगी का, समुचे जीवन का, जीवन का उत्तम भाग जिन्हों कहते हैं
जिस विच बच्चे ने जिते विद्या का अध्ययन करना उत्थे चंगीआं गल्लां सिख के एक आदर्श विद्यार्थी बन के एक सच्चा सच्चा देश का नागरिक सच्चा सच्चा देश भगत बनना है और अपनियां जिंदगी दियां जिम्मेवारियां नूं चंगी तरह निभाउण दे काबिल बनना है और आने वाले भविख की तैयारी करनी है और प्लस जिंदगी दे विच सुख सहूलत वाला जीवन उही बतीत कर सकता है जिहड़ा कि अपनी स्टूडेंट लाइफ दे विच पंक्चुअल होएगा रेगुलर होएगा। ये गल्लां सानू लैंग्वेज सिखांदियां ने, ये गल्लां तुहानू मैथ साइंस सब्जेक्ट ने नहीं सिखानियां हन, ठीक है बच्चे। इन्हां गल्लां नू फॉलो करके स्कूल दे रूल्स एंड रेगुलेशंस नू ध्यान नाल ध्यान च रख के क्लासेस लगाया करो और क्लास अटेंटिव होया करो। आ देखो ना हुण 5 to 10 मिनट हो गए, तुसीं अजे ज्वाइन कर रहे हो कुछ एक बच्चे, ये तो गलत गल है बेटे। हाँ कई बार होंगे कि बच्चों का टैक्नीकल इशू हो जाता, कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाती, टैक्नोलॉजी है, पर अपने वालों कोशिश करो कि टाइमली ज्वाइन करना है और क्लास च अटेंटिव होना। एक आदर्श विद्यार्थी बन के ही असी देश के समाज के सच्चे सुचे समाज सेवक देश के सेवक बन सकते हैं और अपना जीवन अपना भविख सुख सहूलत भरपूर आने वाले जीवन की तैयारी सब कुछ असी स्टूडेंट लाइफ च करनी है। विद्या का अध्ययन तो करना है, जिंदगी का परपज तो यही है, मकसद है कि पढ़ लिख के उच्चा रुतबा हासिल करना है, पर नाल दी नाल जिंदगी दियां जिहड़ियां रिस्पोंसिबिलिटीज ने जिम्मेवारियां निभाउण दे काबिल भी बनना, ठीक है। जो पेरेंट्स सानूं अज सानूं सुख सहूलतां वाला जीवन दे रहे ने स्टूडेंट लाइफ, एक टाइम साडा भी आना स्टूडेंट्स का भी कि उन्होंने अपने पेरेंट्स की सेवा भी करनी है, पेरेंट्स दियां एक्सपैक्टेशन से पूरा भी उतरना। ये सब कुछ ताई हो सकता है जे तुसीं स्टूडेंट लाइफ विच पंक्चुअल हो, रेगुलर हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस नूं फॉलो करके स्टडी कर रहे हो ते अपनी पढ़ाई ते कंसंट्रेट कर रहे हो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट करिए चाह चढ़ना बहुत खुश होना, चाह चढ़ना बहुत खुश होना। नेक्स्ट है आप अज मीनिंग ही करते हैं अच्छी तरह। नेक्स्ट है चढ़ मचनी भूए चढ़ना। आ तुसीं देखो ना जिहड़ा हुण चोणां दे दिन चल रहे हैं, टिकट लै लई जदों सत्ता विच आ गए भूए चढ़ जाना कि मैं इलाके का प्रधान, मैं MLA, मेरी चढ़त है, उन्हूं कहिंदे चढ़ मचनी। मेरे अगे तो कोई आम अमूली व्यक्ति तो टिक ही नहीं सकता। नैक्सट है चादर पाउणी विधवा नाल ब्याह करवाउणा। ये पुराने समय विच हुंदा सी चादर पाउणा कि किसी घर विच ना कोई किसी की पत्नी है जिहड़ी विधवा हो गई है, छोटी उम्र च ही किसी का पति है जिहड़ा चला गया, तो उस घर विच एक छोटा भरा है अनमैरिड, मीनस एक दो साल का ही फर्क है, तो सारे घर दे ते बरादरी वाले मिलकर कहिंदे सन कि हुण चादर ही घर विच ही पा दित्ती जावे कि जिहड़ी घर की नूह है ना वह घर च ही रह जाए, उन्हूं कहिंदे आ चादर पाउणी। अजकल समा एडवांस है, अजकल दे बच्चे जो कोई इदां दी प्रॉब्लम आ जाती है तो अजकल दे बच्चे अपने डिसीजन आप ही लैंदे, चादर पाउणी विधवा नाल ब्याह करवाउणी, ठीक है बच्चे। देखो अजे तक बच्चों की ज्वाइनिंग हो रही है और हाफ पीरियड निकलन पर आ गया बेटे, ये गलत गल है, और इनिया इंस्ट्रक्शन दतिया उन्होंने इंस्ट्रक्शन नू फॉलो करया करो बेटे, बी पंक्चुअल बी रेगुलर, एक आइडियल स्टूडेंट बनन दे लई एक सच्चे सच्चे नागरिक बनन दे लई तुहाडा हर स्टूडेंट लाइफ दे विच हर काम विच अपना पर्टिकुलर होना जरूरी है, ठीक है बच्चे। नैक्सट चलिए आप हूँ इस तो बाद बेटे मैं किसी ज्वाइन नहीं कर बेटे, डिस्टर्बेंस होंगी है ना। चादर वेख के पैर पसारने वित्त अनुसार खर्च करना। जेडे लोग चादर वेख के पैर पसारते हैं ना वो दुखा तकलीफा च नहीं पैंदे, ये नहीं है कि दूसरे वाल देख के असं अपना कर्जिया में फस जाइए कि उन्होंने घर तो इन्नी वड्डी गड्डी है साढ़े को है ही नहीं, आप कर्जा लैके गड्डी लै लें, ठीक है। कर्जे चुकना कोई अच्छी गल नहीं है, जिन्ना वाहगुरु ने दिता उस रजा च ही रहना चाहिए। चादर वेख के पैर पसारने सियाणप वाली गल है, वित्त अनुसार खर्च करना, हैसियत अनुसार खर्च करना। ये जिन्हें मुहावरे अज की डेट च करांगे ना उन्हां विच कल का टैसट होएगा बेटे, ध्यान नाल समझ लो। चांदी की जुत्ती मारनी ऑलरेडी कर चुके हैं, रिश्वत देनी, कोई भी काम करवाना होवे सरकारी अदारियां विच बैंकां विच तां चांदी की जुत्ती मारनी पैंदी है, जां चापलूसी करनी पैंदी है, चापलूसी करना भी मुहावरा है, खुशामद करनी पैंदी है बेटे। नैक्सट
चित हो जाना मर जाना, चित हो जाना मर जाना। पुलिस की गोली लगदिया ही जड़े चोर लुटेरे सन एकदम ही चित हो गए, मर गए। बड़ा परेशान सी परिवारिक समस्यावां तो, अपने आप उसने आत्मघात कर लिया ते चित हो गया, मर गया। नेक्स्ट है एक हुंदा घुग्गा चित करना, घग्गा पग तुसी फर्स्ट टर्म च कीता सी हुंदा मार देना, इत्थे चित हो जाना मर जाना। और अगे जाके एक मुहावरा करांगे इसे भाग विच ही, लिसन, चढ़ाई कर जाना ये भी है परलोक सुधार जाना मर जाना, चढ़ाई कर जाना। एक जड़े महापुरख ने जड़े साढ़े अवतार धारण वाले जिन्होंने जिंदगी विच बड़ा गुरबाणी का रस्ता अपनाया होंगे उन्होंने आप कहने के संता महात्मा दे लई कि वह चढ़ाई कर गए। एक है चित हो जाना मर जाना, चित हो जाना मर जाना और चढ़ाई कर जाना, परलोक सुधार जाना, इस दुनिया तो कूच कर जाना। वह अगे जाके आप करेंगे चढ़ाई कर जाना भी मर जाना भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हुण नाल ही कर लिया आप चढ़ाई कर जाना कि साढ़े नाल दे डेरे वाले संत कल चढ़ाई कर गए, साढ़े घर के बुजुर्ग कल चढ़ाई कर गए, नहीं दुनिया तो चले गए। और चित्त हो जाना उन्हां लई है कि जड़े कोई दुखी होन किसी तो माड़े कमां च फसण ते उन्हां नूं कोई मार देवे, आपां कहिंदे आ उन्हां तां गोली लगी और चित्त हो गया, डिगदियां सारी चित्त हो गया, ठीक है। रोड एक्सीडेंट विच ट्रक नाल टक्कर होई उत्थे चित्त हो गया मर गया। नेक्स्ट है बेटे चन्न चाढ़ना, सॉरी चिड़ी ना फड़कनी, चिड़ी ना फड़कनी सुनसान होनी, सुनसान। आ कोरोना वायरस का पीरियड से जो चिड़ी नहीं सी फड़कती सड़कां ते, इन्ना क्रूशियल टाइम आया कोरोना वायरस के समय से जो शुरू होया सी ता सड़कां ते इन्नी दहशत हो गई सी लोगों च चिड़ी नहीं सी फड़कती, ते जो मुगलों का समा सी उदों भी चिड़ी नहीं सी फड़कती। नादर शाह ने जो लुट मार करन दे इरादे नाल इत्थे साढ़े भारत देश से हमला किया ना तो लोग डरते सन, चिड़ी जनौर भी पंछी भी डरते सन, जिधर दी उन्होंने घोड़े दगड़ दगड़ करते आते सन तो चिड़ी नहीं सी फड़कती। चिड़ी ना फड़कना सुनसान होनी, कोई भी बाहरों ना आना, चुपचाप वरत जानी। नैक्स है चन्न चाढ़ना, ऑलरेडी कर लिया काम बिगाड़ देना, अगे चन्न ते थुकना भले मनस की निंदा करनी, नुक्स कढ़ने जां निंदा करनी, महापुरखां नूं क्रिटिसाइज करना, महापुरखां दी बेइज्जती करनी, महापुरखां दे बारे बुरा बोलना तां चन्न ते थुकन दे बराबर है, चन्न ते थुकना। नैक्सट है चन्न मीन जिहड़ा कि साडा एक प्लैनेट है, ठीक है, साडी धरती जिवें है ना उवें चन्न है साडा, ते उस तरह ही महापुरख ने, महापुरखां दी निंदा तां चन्न ते थुकन दे बराबर है। नैक्सट चढ़ाई कर देनी, एक हुण देखो एक है चढ़ाई कर जाना एक है चढ़ाई कर देनी, इन्हां च फर्क है। कर देनी सिर्फ किरिया का फर्क है, इत्थे जाना इत्थे देनी और मीनिंग च फर्क आ गया। चढ़ाई कर जाना हुंदा मर जाना, परलोक सुधार जाना, चढ़ाई कर देनी हमला करना, हमला करना दुश्मन नूं आंदिया देख के भारतीय फौजां ने एकदम चढ़ाई कर दी। मुगल फौजां दे आन दी खबर सुन के पहाड़ी राजां दे बारे सुन के गुरु गोबिंद सिंह जी दीआं फौजां ने चढ़ाई कर दी। चढ़ाई कर जाना, चढ़ाई कर देनी हमला कर देना। साढ़े जिहड़े सरहदां दे उपर नौजवान ने सिपाही ने उह हमेशा दुश्मन की आवाज ठनक सुनदे ही चढ़ाई करन लई तैयार रहिंदे ने, चढ़ाई कर देंदे ने। नैक्सट चुआती लाउणी, अग लाउणी, दुखी नूं होर दुखी करना, चुआती लाउणी। दोनों भरा कट्ठी खेतीबाड़ी का काम कर रहे सन, चाचा जी ने अजिही चुआती लाई कि उन्हां दी खेतीबाड़ी का काम वक्खरा हो गया, घर बार भी वक्खरे हो गए, रोटी पानी भी वक्खरा हो गया। कोई कतीजी ते राज है ना ऐसी चुआती लाउंदी है कि जिहड़े प्यार नाल रह रहे ने उन्हां च कड़वाहट पैदा हो जाए, कांजी घोलदे नहीं आपां कक्का भाग च कीता। चुआती लाउणी, दुखी करन वालियां गल्लां करनियां, दुखी करना किसे नूं, अग लाउणी कहिंदे ने इहनूं। चुआती लाउणी दा मीनिंग आ अग लाउणी, भड़काउणा, इहदा एग्जैक्ट मीनिंग आंदा भड़काउणा,
सस ने अपने पुत्र दे उसे बलजीत कौर की सस ने मनजीत की सस ने अपने पुत्र दे नूं अजिही चुआती लाई कि दोनों का तलाक होने ते आ गया। इदां ही हुंदा ना घर विच। नैक्सट है चप्पनी विच नक डोब के मर जाना। आपां ऑलरेडी डिस्कस कर लिया होया शर्म करनी कि जिहड़े माड़े काम करदे आ कुतुत्तां ऐसे जी करदे आ तां फिर वड्डे ही कहिंदे तैनूं शर्म नहीं आई तैनूं तां चप्पनी विच नक डोब के मर जाना चाहीदा। तू आ की कीता तू तां सारे खानदान ते कलंक लगवा दित्ता। नैक्सट चिक्कड़ सुटना दोष लाने सेम है चंद ते थुकना दोष लाने चिक्कड़ सुटना दोष लाने महापुरखां दी ते जिहड़ा चिक्कड़ सुटदा है ना आप चिक्कड़ विच गिरदा है। कहिंदे ना खूह पुट्टे नूं खाता पिया जिहड़ा किसे दा माड़ा करदा ना उसदा अपना माड़ा हुंदा और खास करके जिहड़ा कि सच्चे सुच्चे लोकां ते चिक्कड़ सुटदा उसदा कदी भी भला नहीं हुंदा। नैक्सट चढ़दी कला विच रहना ऑलरेडी डिस्कस कीता बेटे पंजाबी हमेशा चढ़दी कला विच रहिंदे ने रब दा नाम जपण वाले हमेशा चढ़दी कला विच रहिंदे हन। नैक्सट चेहरा उतर जाना ये भी कर लिया उदास हो जाना चेहरे ते हवाइयां उड़नियां सेम मीनिंग उदास हो जाना घबरा जाना अचानक घर विच पुलिस आई देख के सब दियां चेहरे दियां हवाइयां उड़ गईयां। आपां अज 20 करदे हां उस तों बाद आपां लेख स्टार्ट करना है नानक दुखिया सब संसार। और 10th डी क्लास के स्टूडेंट की कविता रहती कल की क्लास करेंगे कल 10th डी से डबल पीरियड है बेटे ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है बेटे चार चन लग जाने कहते उन्होंने नवी कोठी बनाई उन्होंने रंग रोगन करवा लिया तो चार चन लग गए। क्लियर है किसी चीज की शोभा बच जाने चार चन लग जाने शोभा वधनी। क्लियर है बेटे इन्ने मुहावरे तुसीं चंगी तरह रिवाइज कर लेने हन कल दे टेस्ट लई और रचना काव रचना आपां करनी है तू मेरा पिता तू है मेरा माता। किसी नूं मुहावरियां च कोई डाउट बेटे 1 to 20 मुहावरे चचा भाग 1 to 20 मुहावरे तुहाडे ग्रामर बुक दे अकॉर्डिंग जिहड़ी लेटेस्ट तुसीं लास्ट ईयर ग्रामर बुक लगी है उहदे विच है। कई कई बुक्स च ना कोई मुहावरे नहीं है चक्की चोबे ने वो तुसी देख लेना बेटा किस बाकी बच्चों तो पेजिस कॉपी करवा लेना ठीक है जे कि कोई मुहावरा मिस प्रिंट है। हुण आपां गल करिए नानक दुखिया सब संसार इहदे बारे ना महापुरखां दी एक विचार आंदी है एक कोटेशन बनी है नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। इस संसार विच तुहानूं सब नूं पता ना कि इस संसार दुखां दा घर है। संसार विच रहिंदियां विचरदियां जदों इंसान ने जन्म लै लिया इस संसार विच विचरदियां अपनियां जिम्मेवारियां निभांदियां जिंदगी विच दुखां तकलीफां दा सामना भी करना पैंदा। वैसे भी आपां कहिंदे आ जिंदगी इक संघर्ष है जद तक असीं दुखां तकलीफां दा सामना ना करिए तां सुख दी इच्छा कैसे हो सकदी है। कल्ले जिंदगी च कदी किसे दे होया कि कल्ले सुख ही सुख प्राप्त हो जाए कदी इस तरह हुंदा नहीं कदी नहीं हो सकता कि कोई इंसान सुखी सुखी होवे। ए तुसीं थोड़ी कह सकते हैं कि अमीर लोग सुखी ने सब तो ज्यादा जिन्ना वड्डा सिर उन्नियां वड्डियां पीड़ां ये भी कहने आ एक कहावत है जिहड़े अमीर लोग देखण नूं लगदा ना कि बंगलियां दे कोठियां दे मालक ने वड्डियां वड्डियां गड्डियां दे मालक ने नौकर चाकर ने इन्हां दे आस पास सब तो ज्यादा दुखी ने दुखां तकलीफां च घिरे ही होने। उन्होंने तो सब तो वड्डी चिंता कि पैसा इन्ना जिहड़ा कमाया है काला बाजारी कीती है जमाखोरी कीती काला धन कमाया जायज नजायज तरीके नाल इहनूं संभालना किवें है। इस तो वड्डा दुख ते वड्डे दुख विच बीमारियां च घिरदे ने सेठ वर्गे लोग बीमारियां दा ब्लड प्रेशर दा शिकार हुंदे ने सब तो जिन्ना वड्डा सिर उन्नियां वड्डियां पीड़ां। आपां गल करिए सब तो पहलां इत्थे आपां कोटेशन लिखीए नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार ये गुरबाणी की तुक है। गुरबाणी की तुक है गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। इसका भाव है गुरु साहिब फरमाते हैं गुरुआ की विचार है कि इस संसार विच कोई भी अजिहा व्यक्ति नहीं जिहड़ा सुखी हो। हर इंसान जिहड़ा दुनिया विच आ गया इंट्रोडक्शन पैरा सेम लिखना है केड़ा जड़ा ऑलरेडी किया हो
ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੈਰਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਦੁੱਖੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੇਖ ਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁੱਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸਭਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਆਗ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਭਾਇਆ ਜਗ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਔਲਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ, ਝੱਖੜ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਪਾਣਾ, ਤਿੱਤ ਤਿੱਤ ਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੋ ਨਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਭੂਮਿਕਾ, ਯੈਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲਿਖ ਦੇਣੇ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੈਰਾ ਦੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਅਲੱਗ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੁੱਕ ਦਾ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਤੁੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜਗਦੀ ਸੀ, ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਚੰਚਲਤਾ ਮਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਸੇਮ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਬਣਨੇ ਹੈ। ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤੇ
काबू पाया जा सकता है, दुखों तो राहत मिलती। सेम पॉइंट आना तृष्णावां का त्याग, परमात्मा के नाम का आसरा, यह दुखों को दूर करन दा साधन। दुखों को दूर इस तरह किया जा सकता। फिर लास्ट से आप कोटेशन सच्चे मार्ग चलते हैं, उस सतकरे दान जरा सच के मार्ग का पांधी बन गया, ईमानदारी के रस्ते चल गया, जिन्हें गुरु नानक देव जी का यह विचार धारण कर लिया, किरत करो, नाम जपो, वंड छपो, उन्होंने दुख भासते ही नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी, आप पिछला मंथ आप देखा शहादतों का समा लंघिया, गुरु गोबिंद सिंह कोई दुख होया ही नहीं। उन्होंने कहा इन पुत्रन के वारने वार दिए सो चार चार मुए तो क्या हुआ, जीवत गई हजार। अपने संसार के बच्चों जीवत रखने लिए उन्होंने चार दुख, चार पुत्र वारे, पिता वारे, पर दुख भासया ही नहीं। पर माछीवाड़े के जंगलों में कंडिया की सेहत से लेट के भी क्या मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदा का कहना। मित्र प्यारा कौन? परमात्मा। जिन्हें परमात्मा नूं ओट आसरा बना लिया ना, वही दुख सुख तो आते ही रहने हैं। देखो तुसी अपने घर विच ही देखते हो गए, आले दुआले देखते हो गए कि लोग किन्ने दुखों में घिरे हुए हैं। जिन्हों दुखों का पता नहीं ना, वो एक हॉस्पिटल का चक्कर लाया, पता लग जाएगा। वाहिगुरु का शुक्र करना परमात्मा तो सानू बचाया होया। किन्ने आप कोई हॉस्पिटल किसी भी सिटी देख लो, कोई खाली हो गई, कोई किसी तकलीफ न, कोई किसी तकलीफ न, हॉस्पिटल भरे पे ने। जे सानू तसली होंगी वाहिगुरु सानू बचा के रखा है, सानू क्यों नहीं शुक्र होंदा? परमात्मा का असी शुक्र क्यों नहीं करते? क्योंकि सब तो वड्डा दुख है शरीरक दुख, जरा आ जाए ना पैसा किमें लगता, फिर जिहड़ी शरीर है ना वह सारा ध्यान शरीर की तकलीफ वाल हो जाता, तो दुनिया का कुछ भी चंगा नहीं लगता। जान है तो जहान है, फिर आप कहने जो जान है तो सारे जिंदगी के सुख मान सकते हैं। घर में किसी ने एक दुख तकलीफ आ गई ना, सारे घिर जाते हैं। जिहड़ा इंसान बैड से पिया वह तो बेचारा परेशान है, तो जिहड़े घर के जी उसकी सेवा च लगे ने उस तो बाद परेशान होकर बीमार हो जाते हैं। राज की खुशी भी ये तो शरीरक दुख ने। कोई किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया वह दुख आ गया, फिर की कहना? जो जिंदगी तो ही कूच कर गया जवानी की उम्र में, कहना रब की रजा है कि संसार दे विच परमात्मा अगे कोई जोर नहीं। मतलब दुनिया तो बहुत दुखी, कोई है इस संसार विच सुखी होवे? आ मंत्री लोग, वड्डे वड्डे उच्चे रुतबिया वाले गद्दीदार सब तो वड्डे दुखी ने। इन्हां दे लई कोटेशन है, जिन्ना वड्डा सिर उन्नियां वड्डियां पीड़ां। और सब तो वध दुखी कौन है? हुम्मे विच जग उपजे, हुम्मे है जड़ी ना, जड़ी हंकार है, सब तो वड्डा दुख है हंकार या सो मारिया। बहुत सारिया कोटेशन्स आप इहदे विच लिख सकते हैं, तुहाडी बुक विच नहीं भी है ना, तुसी ये कोटेशन्स लिखनी है। सब तो पहला की लिखांगे? भूमिका सी जो तुसी लिखदे हो, की लिखदे हो? जो मैं तुहानू करवाई हुई है कि दुनिया दे विच सब तो श्रेष्ठ मनुख है, पर मनुख अजिहा है कि जिहड़ा मकसद तो भुल के दुनियावी इच्छावां दी पूर्ति दे लई दुखां विच घिर गया। ते दुखां विच घिरिया होया मनुख छुटकारा किवें पा सकदा है? नाम नूं आधार बना के। फिर आपां गल करिए तुक दा अर्थ, ठीक है? तुक दा अर्थ कि सारा संसार दुखी है। इह गुरु नानक देव जी दी उचारी हुई तुक है। इस विच तुक दा भाव है कि संसार दुखां दा घर है। इस जगत दे सारे प्राणी वख-वख दुखां विच घिरे होए हन। कोई भी किसे नूं कोई दुख, हर कोई यही समझदा है कि उसका दुख सब तो वड्डा है। फिर आपां तुक लिखनी फरीदा, मैं जानिया दुख मुझको, दुख सभाया जग उच्चे चढ़ के देखिया घर घर ए। फिर आप गल करनी है संसार दुखां दा घर है, केड़े केड़े दुख ने। फिर दुखां दा मूल कारण की है? तृष्णावां दा वाधा, इच्छावां दी पूर्ति नहीं हुंदी है तां असीं दुखी हां। फिर दुख सुख जीवन दा हिस्सा हन। अगला पॉइंट, फिर दुख दारू सुख रोग पिया। दुखां दुख तां इक दारू है सुखां दी प्राप्ति लई। क्लियर है बेटे? बाकी आपां कल दी क्लास च करांगे बच्चे। थैंक यू सो मच। और कल का टेस्ट प्रिपेयर कर लेना, और जिन्हें बच्चों ने होलीडेज होमवर्क सेंड नहीं किया टाइमली सेंड कर देना बेटे। टेक केयर।